हेलो गाइज, मैं हूँ सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। तो इंटेल कोर i7 12700 का प्राइस है ₹36,000 अप्रॉक्सीमेट। दूसरी तरफ इंटेल के नए 13 जनरेशन कोर i5 13600 के का प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 32,000 के करीब। अब जनरल विजडम ये कहती है कि आग गर्म होती है और बर्फ ठंडी, और कोर i7 बेटर होना चाहिए एक i5 से। लेकिन क्या ये सच है? अगर हम स्पेक शीट को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं दिखते। अगर कोर i7 की बात करें, यहाँ पे 8+4 कोर कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर i5 की बात करें, यहाँ पे 6+8 कोर का कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन दोनों का जो नंबर ऑफ थ्रेड्स है वो सेम है, दैट इज 20 थ्रेड्स। क्लॉक स्पीड्स के मामले में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है दोनों के बीच में। ई कोर्स और पी कोर्स के बीच में मुश्किल से 0.1 गीगाहर्ट्ज़ का डिफरेंस है। लेकिन जहाँ पे एक थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंट डिफरेंस है वो है कैश। L2 कैश दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। i7 में जहाँ पे यहाँ सिर्फ 12 MB L2 कैश है, i5 में यहाँ पे 24 MB L2 कैश है, जो ऑलमोस्ट डबल है। एंड अगर कैश आपको नहीं पता तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कई सारी गेम्स के लिए या सिंगल कोर एप्लीकेशंस के लिए। तो जस्ट स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम है, प्राइस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो क्या परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए? वेल, तो इसी डिफरेंस को हम लोग शोकेस करेंगे बेंचमार्क्स वगैरह के थ्रू। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हमारे एक मदरबोर्ड की जिसके ऊपर हमने इन दोनों प्रोसेसर्स को टेस्ट किया। तो इन दोनों प्रोसेसर्स को टेस्ट करने के लिए हमने यूज किया है एसस का नया प्राइम ए वाईफाई Z790 चिपसेट वाला मदरबोर्ड, जो एक उनका मिड रेंज अपर मिड रेंज मदरबोर्ड है। और एक मदरबोर्ड काफी दिखने में तो मुझे बहुत सुंदर लगता है बिकॉज ऑफ इट्स वाइट सिल्वर कलर स्कीम। एंड अगर एक वाइट बिल्ड प्लान करें इंटेल के साथ, इंटेल 13700 के वगैरह के साथ, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी फीचर्स की बात करें, यहाँ पे IO वगैरह भी काफी ज्यादा सूटेबल है फॉर अ हाई एंड बिल्ड। यहाँ पे कनेक्टिविटी के मामले में बहुत सारे फैन कनेक्टर्स है, यहाँ USB कनेक्टर्स भी सारे के सारे मौजूद है। इसके अलावा जो इसका VRM कॉन्फ़िगरेशन है, मुझे लगता है कि ना आपको 3900K रन करने में भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। इट्स अ 16+1 फेज VRM सेटअप, और जो हीट सिंक्स वगैरह का भी डिजाइन है वो काफी ज्यादा बड़ा है, तो दिखने में तो सुंदर लगता है लेकिन ये बहुत ज्यादा फंक्शनल भी है। एंड आप सबको पता ही है कि RGB सॉफ्टवेयर के मामले में, फिर जनरल मदरबोर्ड सॉफ्टवेयर के मामले में Asus का मुकाबला अभी तक किसी ने ज़्यादा अच्छी तरह नहीं किया है, तो इनका RGB सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है। बाकी जो सॉफ्टवेयर पैकेज भी उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। इस मदरबोर्ड के अलावा बाकी हमने कॉम्पोनेंट जो यूज़ किया टेस्टिंग के लिए वो है 32GB और 5200 MHz DDR5 RAM। ये ORS की RAM है, डुअल स्टिक RAM है, तो इट्स नॉट द फास्टेस्ट जो आप इस प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से 5200 to 5600 MHz इज अ वेरी स्वीट स्पॉट, जहाँ पे प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। अब सच बताऊँ तो i5 13600 के लिए आपको बहुत ज़्यादा बड़े 360mm कूलर या फिर Noctua NHD 15 जैसे बड़े कूलर्स की ज़रूरत नहीं है। पावर रिक्वायरमेंट और टेम्परेचर्स के बारे में थोड़ी सी आगे जाकर प्रॉपरली आपको चार्ट दिखाता हूँ, लेकिन स्पॉइलर अलर्ट, इसको कूल करना आसान है। और हमने स्पेसिफिकली जो कूलर यूज़ किया है वो है कूलर मास्टर का PL360 फ्लक्स, जो एक अच्छा परफॉर्मेंस 360mm कूलर है। तो हम लोग बेंचमार्क से शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन चार्ट में 3900K भी हमने शोकेस किया है ये दिखाने के लिए कि भाई साहब वो कितना ज़्यादा जंगली प्रोसेसर है। मतलब उसके नंबर्स देख के ना, लाइक i5 और i7 के नंबर्स देख के शर्म आती है कि वो ऑलमोस्ट डबल है परफॉर्मेंस में। तो वो जस्ट फॉर फन हमने डाला हुआ, लेकिन जो मेन कंपैरिजन का फोकस होगा वो 12700K और 13600K के बीच में ही होगा। तो शुरुआत करते हैं नॉर्मल अपने बेंचमार्क्स के साथ, और सबसे पहले बात करते हैं सिनेबेंच की। तो सिनेबेंच मल्टीकोर स्कोर में कोर i5 13600K है ऑलमोस्ट 5% फास्टर, और जो सिंगल कोर है वहां पे भी ये सेम ही डिफरेंस रहता है, 5% फास्टर 13600K। थोड़े और रेंडरिंग एप्लीकेशंस की बात करें तो वीरे में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, मुश्किल से 2% का डिफरेंस है, i5 2% फास्ट है। कोरोना में i5 4 सेकंड फास्ट था और ब्लेंडर में 8 सेकंड फास्ट था, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस थी लेकिन प्राइस के हिसाब से ये ठीक ठाक सा डिफरेंस जरूर है। 7-zip कंप्रेशन और डीकंप्रेशन में डिफरेंस 7% और 8% था, जो कि एक ठीक ठाक सा डिफरेंस है फॉर सिमिलर प्राइस प्रोसेसर्स। अगर हम लोग अडोबी एप्लीकेशंस की बात करें, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो या फिर फोटोशॉप में, तो वहां पे i5 के स्कोर ऑलमोस्ट 5% ज्यादा थे कंपेयर टू द i7। क्रॉसमार्क और PCMark ऐसे एप्लीकेशन है जो आपको लाइक सिंगल कोर प्रोडक्टिविटी टास्क को फोकस करते हैं, और यहां पे भी i5 2-4% फास्टर था कंपेयर टू द i7। और लास्ट में थोड़ा सा गेमिंग सिंथेटिक बेंचमार्क्स की बात करें, ये बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है लेकिन अगर आप लोगों को पता हो तो 3D मार्क में एक एक पॉइंट भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, तो अ विन इज अ विन। अब इन रिजल्ट्स को देख के ये तो साबित होगा कि यस, 13 जनरेशन i5 i7 को रिप्लेस कर रहा है विद ऑल इट्स परफॉर्मेंस। यहाँ पे जो डिफरेंसेस है चाहे वो जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब आप प्राइस को कंसिडर करते हैं, 4000 रुपये में आपको ऑलमोस्ट हर केस में एक एवरेज में 5% का परफॉर्मेंस लिफ्ट मिल रहा है। एंड याद रखना, 13 जनरेशन को आप बहुत ज्यादा ओवरक्लॉक कर सकते हैं कंपेयर टू द 12th जनरेशन। एंड मैंने कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी सुने जहां पे लोगों ने 13600K को ऑलमोस्ट 5.8 गीगाहर्ट्ज़ पे पी कोर्स को ओवरक्लॉक किया हुआ है, जो और भी ज्यादा परफॉर्मेंस देने के लिए काफी है। अब इस परफॉर्मेंस डिफरेंस का एग्जैक्ट रीजन सिंपल है, जो 13 जनरेशन i5 है वहां पे 8 ई कोर्स है, जो कंपेयर करें हमारे 12th जनरेशन के i7 जहां पे सिर्फ 4 ई कोर्स है, तो जो एक्स्ट्रा ई कोर्स है वो काफी ज्यादा हैवी लिफ्टिंग करते हैं फॉर द मल्टी कोर टास्क। जब हम मल्टी कोर टास्क की बात करें तो हम लोग बात करें लाइक रेंडरिंग या फिर
जो हमारे एक्सपोर्ट्स वगैरह होते हैं 3D एप्लीकेशंस वगैरह की, या फिर इवन लाइक ना ट्रांसकोडिंग, जब अपना मीडिया किसी दूसरे फॉर्मेट से किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो मल्टी कोर टास्क है ना, यहाँ पे 13 जनरेशन ज्यादा एडवांटेज ले जाता है। एंड वो जो नंबर ऑफ कोर्स का डिफरेंस है, 12 कोर का i7 और एक 14 कोर का i5, वो ऑब्वियसली हमें रिजल्ट्स में उस 5% के रूप में दिखता है। अब बात करते हैं गेमिंग की। यहाँ पे सिचुएशन इतनी ज्यादा क्लियर कट तो नहीं है, लाइक वो जो 5% का हमें हर बार का डिफरेंस मिल रहा था इन प्रोडक्टिविटी टास्क, गेमिंग में वो डिफरेंसेस थोड़ा सा कम क्लियर कट हो जाता है। यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो 1-2%, 3%, 4% से ज्यादा नहीं है, लेकिन ये तो सिंपल सी चीज थी, बिकॉज 12700K या 12th जनरेशन ऑल्डरलेक प्रोसेसर ऑलरेडी गेमिंग के लिए काफी अच्छे थे। एंड 0.1% लोज, अगर आपको नहीं पता, एक ज्यादा रियलिस्टिक इंडिकेटर है गेम परफॉर्मेंस का। वो ये दिखाता है कि कितने स्टटर्स हो रहे हैं गेम में, या फिर किस तरीके कितनी स्मूथनेस से गेम चल रही है। तो ये नंबर जितना हाई होता है उतना बेटर एक्सपीरियंस आपको मिलता है। तो i7 यहाँ पे थोड़ा सा बेटर था, लेकिन ये नंबर्स ऑब्वियसली चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग आप कौन सा GPU यूज करें, क्या RAM यूज कर रहे हैं, या फिर क्या इवन मदरबोर्ड यूज करें कुछ केसेस में। तो ये डिफरेंसेस बहुत ही माइनर है, और मेरे ख्याल से दोनों अच्छा परफॉर्म करते हैं गेमिंग के लिए, आप चाहे जो मर्जी गेम इस पे रन करें। लेकिन इन सबको इग्नोर कर देना, जो i9 हमारा ऊपर बैठा हुआ है, भाई साहब क्या परफॉर्मेंस निकाल के लाता है जब भी ना उसको रन करता हूँ। एंड मैं हर बार सरप्राइज होता हूँ जब मल्टी कोर टास्क वगैरह की बात करें कि क्या परफॉर्मेंस आपको मिलती है जब आप इतना पैसा एक्स्ट्रा खर्च करते हैं। इट्स अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर अगर आपको अपने बिजली बिल से प्यार नहीं है तो। अब फाइनली बात करते हैं पावर कंजम्पशन और टेम्परेचर की। अब यहाँ पे हमने टेस्टिंग के लिए यूज किया ब्लेंडर को, हमने सिंगल कोर या गेमिंग बेंचमार्क्स यहाँ पे शो नहीं करा पावर कंजम्पशन के लिए, बिकॉज वहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ही वेरिएशन रहता है हर गेम के अकॉर्डिंगली। लेकिन जनरली 50 से 60 वॉट मैक्सिमम ये प्रोसेसर ड्रॉ करते हैं गेमिंग वगैरह के लिए, उससे ज्यादा नहीं। तो ब्लेंडर के जो बेंचमार्क्स हमने रन किए दोनों प्रोसेसर के लिए, नोटिस किया कि i5 की पावर कंजम्पशन कंपैरेटिवली कम थी i7 के मुकाबले, लेकिन उल्टा ये हो रहा था कि टेम्परेचर जो है वो i7 के कम थे लेकिन i5 के ज्यादा थे। यहाँ पे 5-6 degrees का डिफरेंस था i5 और i7 के बीच में इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर्स, और पावर कंजम्पशन के बीच में भी यहाँ पे 10 watt का डिफरेंस था, i5 10 watt उससे कम खींच रहा था। आपको हर बार 10 watt कम खींचते हुए 5% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिल रही है यहाँ पे। एंड जब हम लोग प्राइस वाले फैक्टर को कंसिडर करते हैं, ये आपके ओवरऑल बजट में सेविंग से प्रोवाइड करेगा इन द लॉन्ग रन, जस्ट बिकॉज आपका पावर बिल कम आएगा। लेकिन वो कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि 10 वॉट का हिसाब से आप कितने पावर सेव करेंगे इन दोनों प्रोसेसर के बीच में। लेकिन बात करने वाली चीज ये है कि मैंने इन दोनों प्रोसेसर को ही क्यों कंपेयर किया एक दूसरे से। इसका रीजन सिंपल है, 7600X के साथ तो हम लोग 13600 को कंपेयर नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज 7600 इज वेरी ओवरप्राइज्ड राइट नाउ, एंड उसके साथ i5 का कंपैरिजन नहीं बनता। i5 इज टेक्निकली बीटिंग और इवन मैचिंग द 7700X, जो उससे महंगा प्रोसेसर है। तो उस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी i5 के तो बहुत ज्यादा है। ये वीडियो स्पेसिफिकली टारगेट उन लोगों के लिए है जो जब मार्केट में जाएंगे तो उन्होंने देखेंगे कि यार मुझे है ना 35,000 के आसपास एक प्रोसेसर खरीदना है अपने नए PC बिल्ड के लिए, और मेरे पास i7 12700K का ऑप्शन है और i5 3600K का ऑप्शन है। कई लोग बिना सोचे समझे i7 खरीद सकते हैं, जो सच बताऊं एक खराब डील हो सकती है डिपेंडिंग आप किस तरीके से इसको देखते हैं। तो इसी पॉइंट से हमारे वीडियो के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आते हैं कि आग गर्म जरूर होती है और बर्फ भी ठंडी जरूर होती है, लेकिन प्रोसेसर्स के मामले में ये एनालॉजी इतनी अच्छी तरह काम नहीं करती। कभी कभार i7 i5 से कम परफॉर्म कर सकता है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगा हो कि i5 और i7 में क्या डिफरेंस है करंट जनरेशन के हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को क्वेश्चंस हो कि आपको कौन सा प्रोसेसर खरीदना है अपने नए PC बिल्ड के लिए, तो जरूर कमेंट्स में हमें बताना, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। बाकी थैंक यू टू Asus जिन्होंने हमें ये मदरबोर्ड प्रोवाइड किया टेस्टिंग वगैरह के लिए, एंड इसकी भी इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगी वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय। Ugh.